हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चों, एलोट्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एलोट्रॉप्स क्या है। इट इज द फिनोमिनन of existence of element into two or more than two form which has identical physical properties but different chemical properties। बच्चों, आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स का नाम सुना होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, इसको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कहते हैं। वैसे कुछ इसके एमॉर्फस एलोट्रॉप्स भी हैं, जैसे कोल है, कोक है, चारकोल है, ये सब भी कार्बन के एलोट्रॉप्स ही होते हैं। ठीक है बच्चे, सारे एलोट्रॉप जो होते हैं ना, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, हम लोग को यहाँ बच्चों कार्बन का एलोट्रॉप करना है। ठीक है, कार्बन के बच्चों यहाँ दो एलोट्रॉप हम लोग को डिस्कस करना है। एक एलोट्रॉप को बच्चों हम लोग कहते हैं एमोर्फस एलोट्रॉप, और एक को हम लोग कहते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। ठीक है बच्चों, एमोर्फस एलोट्रॉप में जो भी एग्जांपल है, जैसे कोक हो गया आपका, कोल हो गया, चारकोल हो गया, बच्चों ये सभी एमोर्फस एलोट्रॉप के एग्जांपल हैं। जबकि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के एग्जांपल्स में आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट बच्चों ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के एग्जांपल हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों हम इस क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, एमोर्फस एलोट्रॉप क्या होता है? अच्छा, आपने सुना होगा जैसे कुछ ऐसे एलोट्रॉप होते हैं ना, जिसमें उसके जो एटम है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होते हैं, नहीं एक निश्चित ऑर्डर, एक फैशन ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो वैसे एलोट्रॉप को बच्चे हम लोग क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कहते हैं। लेकिन अगर जिसके पार्टिकल सही ढंग से अरेंज नहीं है, ठीक है, तो वैसे एलोट्रॉप को हम लोग एमोर्फस एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे मकान बन रहा है, अगर इसकी ईंट को अगर हम सही ढंग से अरेंज करेंगे तो हमारा मजबूत मकान बनेगा। लेकिन अगर हम ईंट का अरेंजमेंट अगर सही नहीं करेंगे, ठीक है, कोई इधर इधर उधर अगर ईंट का अरेंजमेंट करेंगे तो मकान हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों एमोर्फस एलोट्रॉप को हम लोग जो वीक सॉलिड भी कहते हैं, और जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रांग सॉलिड है, बट इट इज ए वीक सॉलिड, इट इज ए बैड सॉलिड, इट इज ए स्ट्रांग सॉलिड। यहाँ पर बच्चों हम लोग डिटेल्स में इस डायमंड और ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमंड। ये डायमंड क्या है? बच्चों आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, बिल्कुल डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये बच्चों ये जो डॉट हम दिखा रहे हैं ना, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड में बच्चों हर एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ऐसे हम दिखा रहे हैं, फिर इसको ऐसे दिखा रहे हैं बच्चों यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ फोर अदर कार्बन एटम्स। बच्चों इन डायमंड में आपको ध्यान रखना है ईच कार्बन एटम इज अटैच विथ फोर अदर कार्बन एटम। जैसे इस कार्बन को देखो बच्चों, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है, 1, 2, 3 and 4। अच्छा बच्चों, ये जो इसका जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल की तरह दिखाई देगा। तो डायमंड में आपको ये ध्यान देना है कि इन डायमंड
ईच कार्बन एटम इज अटैच विथ फोर अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड making a joint macro molecular structure. बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है. बच्चों इस तरह के बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में मिलकर आपस में अरेंज होकर हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर बनाता है. बच्चों इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है इसी के कारण डायमंड को कहा जाता है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर. इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सबस्टांस. क्यों होता है बच्चों इतने हार्ड क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि डायमंड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एक्सटेंसिव कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, क्योंकि यहाँ हर एक कार्बन दूसरे चार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका जो बॉन्डिंग होता है ना काफी स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट इन नेचर. ठीक है, और क्या है बच्चों, डायमंड जो होता है बच्चों ये ब्रिटल होता है, ये मैलेबल नहीं होता है. अगर आप इसको हैमर करोगे तो आप इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट इज ब्रिटल नॉट मैलेबल. बच्चों ये ब्रिटल होता है, ये मैलेबल नहीं होता है. यू कांट कन्वर्ट डायमंड इनटू थिन शीट. अगर आप इसको हैमर करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा. अच्छा बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना. इट इज ए इंसुलेटर. इंसुलेटर तो आप जानते हो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड थर्मल कंडक्टर. बच्चों इससे हीट आसानी से पास होता है बट इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता. इसमें क्या देख रहे हैं, हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं. कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है. तो इसका तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं. दैट्स व्हाई डायमंड इज बिग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये आपको ध्यान देना है, लेकिन इससे हीट आसानी से फ्लो करता है. ये आपको ध्यान देना है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए बच्चों जो प्रिसीजन थर्मामीटर्स होते हैं, प्रिसाइज थर्मामीटर्स होते हैं, इसमें हम लोग डायमंड का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम आपको आगे इसका जब यूज पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा. ठीक है, तो ये डायमंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, दूसरा डायमंड जो होते हैं बच्चों ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में आपका डिजॉल्व नहीं करेगा. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर. बच्चों इसका नेचर है नॉन पोलर है. नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. दैट्स व्हाई डायमंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसके यूज के बारे में जान लेते हैं. बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है कहां हम लोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, ज्वेलर्स लोग करते हैं. ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने में नहीं. इसका जो यूजेज है, यूजेज ऑफ डायमंड, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. बच्चों ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट द लाइट. बच्चों ये लाइट को तो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसमें चमक होती है, काफी चमकीला होता है. ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ज्वेलरी में इसका यूज, ऑर्नामेंट बनाने में ज्वेलर्स लोग करते हैं. ठीक है बच्चों, इसका एक यूज और भी है, ग्लास कटिंग में इसका यूज किया जाता है. जो भी ग्लास होता है ना उसके ऊपर अगर आप डायमंड को चला दोगे तो ग्लास वहां से आसानी से क्या हो जाता है, कट हो जाता है. या जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े चट्टान में अगर ड्रिल करना है तो वहां भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन ग्लास कटिंग. बच्चों ग्लास कटिंग में हम लोग डायमंड का यूज करते हैं. एंड इन रॉक ड्रिलिंग.
ड्रिलिंग ऑफ रॉक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ग्लास कटिंग में और रॉक ड्रिलिंग में भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। अच्छा, और कहां मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड इन प्रिसीजर थर्मोमीटर ड्यू टू गुड थर्मल कंडक्टर, क्योंकि डायमंड इज ए गुड थर्मल कंडक्टर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। ठीक है बच्चों, यहां पर भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।